अब हम बात करेंगे गुण के विषय में, जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जो जो कि समवायु तो निश्चेष्टा कारण गुण, इस तरह से कह करके चरक ऋषि कहते हैं कि जो द्रव्य में स्थित तो हैं, जो समवाय संबंध से स्थित हैं ऐसे, पर वो जो निश्चेष्ट हैं उसको उसको गुण कहा जाता है, जो द्रव्य की क्रिया में कारणभूत हैं, यानी क्रिया में तो कारणभूत हैं और वो निश्चेष्ट हैं, और निश्चेष्टता के साथ साथ में वो कारण हैं हमारे शरीर के धारण में, वो कारण है हमारे चिकित्सा में, वो कारण है हमारे उन जो गुण हैं उन गुणों के माध्यम से अपने शरीर में क्रिया करने में। तो इसीलिए आज हम जो गुण हैं आयुर्वेद के अंदर जिनको गुण कहा गया है, वो गुण क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से विभिन्न द्रव्यों के अंदर विद्यमान गुणों का जो उल्लेख है, गुण तो 20 माने गए हैं। 20 यदि उन गुणों की यदि हम बात करते हैं, वो जोड़ों में है, यानी कि जोड़ों में जैसे जो 10 गुण हैं उन 10 के 10 उसके बिल्कुल विपरीत हैं, इस तरह से ये 20 होते हैं। वैसे देखा जाए तो 10 10 के 10 विरोधी ये मिला करके बनते हैं 20, क्योंकि इनमें प्रत्येक एक का जो है विरोधी गुण भी है। जैसे कि जैसे हम कहें तो जैसे अब गुरु है, गुरु जिसको हैवी बोलते हैं यानी भारी जो है, वो क्या है, वो कैसा होता है, जैसे आप मान लीजिए कि जो भारी है जो गुण है वो जैसे कफवर्धक, पित्तशामक या भारीपन को बढ़ाने वाला या मंदता देने वाला या आलस्य कारक है, जितने भी जो धान्यान्न जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम गेहूँ ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, औषधियों में मूसली ले सकते हैं, इन सब को जो है गुरु माना गया है। तो अब गुरु का विपरीत जो है क्या है कि वो हेवी का विपरीत क्या है, लाइट। तो लघु, लघु कैसे होते हैं, वो कहा कि वातपित्त को बढ़ाते हैं और अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, कफ का शमन करने वाले होते हैं, और जो पाचन को देने वाले होते हैं, जो ताजगी को देने वाले होते हैं, स्फूर्ति को देने वाले होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं मूंग है, खील है, या चौलाई है, या कमलगट्टा है, ये सब लघु हैं, ये लघु द्रव्यों के अंतर्गत आते हैं, इनको समझिए। मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ये गुरु लघु की बात करते हुए, गुणों की बात करते हुए, जैसे हमने रस को समझा, रस के साथ साथ इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि उस रस के साथ साथ में जो उस पदार्थ का जो गुण है, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, इनको यदि थोड़ा सा समझ लेंगे तो एक तरह से समझिए कि रस से ये और गहन 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 की तरफ हम जा रहे हैं, गहनता की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि आपको अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद में, तो ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि चिकित्सक बनने के लिए, चिकित्सा के लिए इसको जानना अत्यंत आवश्यक तो होता है। जो पदार्थ के जितने भी जो स्वरूप हैं उनके अंदर ये 5 चीज़ें कि आप रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, ये 5 चीज़ें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इनमें से ये जो 5 में से हमने रस की बात तो करी, ये गुण भी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने जैसे बताया आपको हैवी यानी भारी जो गुरु है, फिर लाइट यानी लघु। अब तीसरा नंबर पर है मंद। मंद का अर्थ होता है माइल्ड। माइल्ड जैसे क्या होते हैं, जो कफ बढ़ाने वाले हैं या वातपित्त का समन करने वाले हैं, जिस शरीर में किसी तरह से जो आलस्य को भी बढ़ाते हैं, या जो थोड़ी सी कम क्रियाशीलता को दिखाते हैं, या जो शिथिलता को दिखाते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि जो मंदता कारक होते हैं, जैसे कि उसके लिए हम बात कर सकते हैं कुष्मांड यानी कि जितने भी कद्दू वाली जो प्रजाति है, लौकी है, खीरा है, या आप ककड़ी है, इस तरह के जो द्रव्य होते हैं। ये चौथा होता है जिसको हम तीक्ष्ण द्रव्य कहते हैं। तीक्ष्ण द्रव्य में वो हो गए शार्प जो होते हैं। शार्प कैसे होते हैं, वातपित्त को जो बढ़ाने वाले होते हैं, या जो कफ का समन करने वाले होते हैं, ये जल्दी से जिसको प्रभाव एकदम दिखाई देने लगता है, ऐसे जो द्रव्य होते हैं, या जल्दी से जो
जिसको ग्रहण किया जा सकता है और समझा जा सकता है। ऐसे हो सकते हैं कि जैसे जो द्रव्य लगाते एकदम भिलावा है, लगाते एकदम जो है ना वो छाला कर देगा, मिर्चे खाते एकदम लगेगी, तो इस तरह के जो द्रव्य हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। जो पांचवा है, पांचवा उसको बोलते हैं स्निग्ध अनकटस। जो अनकटस है वह स्निग्ध द्रव्य जिनको कहते हैं पित्त कफ वर्धक होते हैं, इनको वात और अग्निशामक माना गया है, जो मृदुकारी यानी मृदुता को देने वाले होते हैं, जो आर्द्रता और स्नेहक वाले होते हैं, या जो ऊर्जा को प्रदान करने वाले होते हैं, या जो करुणा या कोमलता को या अनुराग को बढ़ाने वाला ऐसा माना जाता है। जैसे कि जो खाने में भी थोड़े सी मधुर स्निग्ध टाइप लगते हैं, जैसे कि आप मानिए जैसे बादाम है, या जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादातर जैसे तिल वगैरह द्रव्य जो हैं उसके अंदर आते हैं। जो नॉन अनकटस जो द्रव्य होते हैं जिसको हम रुक्ष कहते हैं, तो जो नॉन अनकटस द्रव्य में जो वायु और अग्निवर्धक तो करते हैं, पित्त कफ शामक भी होते हैं, रुक्षता भी बढ़ाते हैं, जो शरीर में कब्ज वगैरह को बढ़ाने वाले, तो उत्तेजना देने वाले, जैसे हमारे ऐसे द्रव्यों में जो गुगलू है, जो यव है, ये सब द्रव्य हैं। यव मतलब जौ आदि द्रव्य को उसके अंदर माना गया है। जो सातवां है उसको शीत यानी कि शीत कहते हैं, कोल्ड को, सर्दी को, जो वात और कफ को बढ़ाने वाले हैं, जो वात कफ बढ़ाएंगे तो पित्त का शमन करेंगे ही करेंगे, जो शीतलता को देने वाले हैं, जो सुन्नता को देने वाले हैं, जो मूर्छा या भय या असंवेदनशीलता को उत्पन्न करने वाले हैं, वो जिस तरह के जैसे आप समझिए कि वो चंदन है, दूब है, इस तरह के द्रव्यों को आयुर्वेद में माना गया है। इसी तरह से जो आठवां है जिसको उष्ण यानी जो हॉट है, यानी जो पित्त को या अग्नि को बढ़ाते हैं, या जो समझिए कि जो वात कफ का समन करते हैं, जो उष्णता के साथ साथ में पाचन या शोधक है, या जो सूजन को उत्पन्न करे, या शोथ आदि को भी जो देने वाले हों, ऐसे जैसे चित्रक है या चब्य है या हिंग है, इस तरह के जो जड़ी बूटियां होती हैं, और जिसमें जो सुलक्षण जो द्रव्य है, नौ में माना जाता है सुलक्षण, जो 20 में गिना रहा हूँ सुलक्षण हुआ है, उसको स्मूथ द्रव्य जैसे जो पित्त कफ को बढ़ाने वाले हैं, वायु और अग्नि का शमन करने वाले हैं, जो मृदुता वाले हों, जिसमें कि चिंता अनुराग उत्पन्न करने वाले लक्षण हों, या रुक्षता को कम करने वाले द्रव्य हों, जैसे कि हमारे यहाँ दूध आदि जो द्रव्य हैं उनको कहा जाता है। दसवां नंबर पर है खर। खर का मतलब होता है जैसे रफ, रफ यानी जो वात और अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं, पित्त कफ जो शामक होते हैं, या त्वचा और अस्थि में जो है स्फुटन करते हैं, या दृढ़ता को उत्पन्न करने वाले होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे जौ है, चना है, इन सारे द्रव्य कहलाते हैं। ग्यारहवें में जिसको हम कह सकते हैं सांद्र, जो सॉलिड द्रव्य हैं, सॉलिड द्रव्य क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं, वात पित्त और अग्नि का शमन करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मक्खन है, दही है, इन द्रव्यों को हम वो मान सकते हैं। बारहवें नंबर पर जैसे कि जो द्रव है, जो जिसको द्रव का अर्थ है, द्रव्य नहीं द्रव, द्रव का अर्थ होता है, द्रव्य का अर्थ पदार्थ होता है, द्रव का अर्थ होता है लिक्विड यानी तरल, तो तरल द्रव्यों के अंदर में पित्त कफ वर्धक जो गुण होते हैं, वात और अग्नि का वो शामन एक तरह से करता है, लार है और करुणा है, स्थिरता है, या घुलनशीलता है, या द्रावणशील यानी कि घुलनशील है, जैसे कि जितने भी रस वाले हैं, फलों के रस हैं, या मट्ठा है, या इस तरह के जो द्रव्य हैं वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। फिर 13वें नंबर पर आता है, ये 20 हैं, 20 में जैसे मैंने बताया कि 10 के जोड़े हैं, एक परस्पर विरोधी इसमें ये गुणों के साथ मिलकर के 20 बनते हैं। जैसे मृदु है, मृदु की मैं बात करते हैं, उसका विरुद्ध गुण क्या है, कठिन है, तो मृदु की यदि हम बात करें तो मृदु क्या होता है, वो कफ वर्धक होता है, वात और अग्नि का शमन करने वाला होता है, मृदुता वाला होता है, सुकुमारता शिथिलता युक्त होता है, या उसको कोमलता से युक्त होता है। ऐसे में यदि हम बात करें जैसे द्राक्ष है, बहुत सॉफ्ट सौम्य होता है, या घी है, ये सब द्रव्य उसके अंतर्गत आते हैं। 14वें में जैसे मैंने बताया कठिन, जो हार्ड है,
जो कठिन है वो क्या करते हैं, वात और कफ को बढ़ाने का काम करते हैं, पित्त और अग्नि का शमन का काम करते हैं, वो कठोरता युक्त होते ही हैं, जिसमें बल की दृढ़ता होती है, जो स्वार्थ बुद्धि या संवेदनहीनताएँ होती हैं इस तरह को उत्पन्न करने वाले जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसके लिए हम प्रवाल आदि के लिए उसको आयुर्वेद के अंदर उसका वर्णन किया गया है। 15 में जैसे 15 नंबर पर हम जैसे कहें कि इसको सूक्ष्म यानी फाइन जो बहुत सूक्ष्म है वो वात और पित्त का समन के साथ में वो अग्नि को भी वर्धन करते हैं, यानी वात पित्त को भी बढ़ाते हैं, अग्नि को भी बढ़ाते हैं। वात पित्त का ये सूक्ष्म वाले समन नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं, कफ का शमन करते हैं, और क्या करते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं में प्रवेश करने वाला है, ये जैसे सूक्ष्म को हम नैनो कह सकते हैं, और जो आवेश और भावुकता को बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि नैनो में आते हैं, जैसे मध्य है कि एकदम जाकर के दिमाग में असर कर देता है, जैसे जो नशीली जो चीज़ें होती हैं या जैसे विष वगैरह जहरीली चीज़ होती हैं, तो जो नशीली चीज़ हैं जहरीली चीज़ हैं उसके अंतर्गत इनको हम ले सकते हैं। 16 नंबर पर यदि हम बात करें तो जो स्थूल है, जो जिसको हम ग्रोस कहते हैं, वो क्या करता है, वो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, वायु को बढ़ाने वाली होती हैं, पित्त और अग्नि का शमन करने वाली चीज़ें होती हैं, जो अवरोध और क्या है स्थौल्य कारक है, मोटापा को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। मोटापा कौन बढ़ाता है, जैसे लड्डू हैं या आटे वगैरह हैं या हलवा वगैरह है या मालपुए वगैरह हैं, इस तरह के जितने भी द्रव्य हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर पर यदि मैं बात करूँ, स्थिर, स्थिर मतलब जो स्टेबल हैं, स्टेबल क्या होता है, जो कफ का वर्धन करता है या वात पित्त का और अग्नि का जो समन करने वाले होते हैं या जो स्थिरता को देने वाले होते हैं या जो अवरुद्धता को देने वाले होते हैं, जैसे जो कब्ज वगैरह भी करने वाले होते हैं या हमारी धारण करने की शक्ति को, निष्ठा शक्ति को उत्पन्न करने वाले होते हैं, ये सारे जितने भी जो रसायन द्रव्य हैं आयुर्वेद के अंदर वर्णित, तो जो रसायन है, चाहे वो आमल की है, चाहे वो हरित की है, चाहे वह निर्गुंडी है, इस तरह के जो बनने के बाद में जो द्रव्य बन जाते हैं उन सबको इसके अंतर्गत माना गया है। फिर अनस्टेबल, जो अनस्टेबल द्रव्य हैं जिनको आयुर्वेद के अंदर सर कहा जाता है, ये 18 है, 20 में से मैंने 18 ये नंबर आपको बता रहा हूँ सर, जो अनस्टेबल हैं, जो वात और पित्त एवं अग्नि को बढ़ाते हैं, ये वायु को भी बढ़ाते हैं, ये पित्त को भी बढ़ाते हैं, अग्नि को भी बढ़ाते हैं, ये कफ का भी शमन करते हैं और शक्ति को, गमन गने चलने की जो गमन शक्ति है, कंपन है, बेचैनी है, यानी कि जितने भी गति वाली जो चीज़ें हैं ना, जो चलायमान वाली जो चीज़ें हैं, या जैसे निष्ठा का विरोधी गुण अनिष्ठा है, इस तरह की चीज़ों को यानी उत्पन्न करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे होते हैं ना, जो अवतर्पण द्रव्य, जो जिससे इन सब चीज़ को निकाला जाता है, इस तरह के अवतर्पण का अर्थ है कि शरीर में से जो अनेक जो दोषों को निकालने वाले जो द्रव्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और 19 नंबर पर विशद नॉन, जो स्लिमी द्रव्य हैं, नॉन स्लिमी को हम बोलते हैं विशद। विशद के अंतर्गत जो वात पित्त और अग्नि का वर्धन करने वाले जो द्रव्य होते हैं, कफ के समन करने वाले द्रव्य होते हैं, जो चीज़ों को अलग अलग करके या ध्यान का अपकर्षण करते हैं, जो उस तरह के द्रव्य हैं, जो उदाहरण के लिए से नीम है या क्षार है, इस तरह के जो द्रव्य हैं उसके अंतर्गत आते हैं। 20वां नंबर है पिच्छिल, जिसको स्लिमी कहते हैं, स्लिमी यानी कि कफ वर्धक उसको माना गया है, वात पित्त और अग्निशामक है, जो संधान कारक है, अस्वच्छता अस्पष्टता का कारण है, उदाहरण में जैसे लिशोड़ा वगैरह, निर्यास वगैरह, जो गोंद वगैरह निकलते हैं, जो जैसे होते हैं ना, जिसमें चिपचिपाहट वगैरह होती है, इस तरह से। तो इसको आप समझिए कि गुण रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव की बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से या आपको निरोग रहने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक गुणों की बात है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो गुण द्रव्य है भौतिक दृष्टि से नहीं, ये औषधीय दृष्टि से इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि भौतिक दृष्टि से तो गुणों का एकदम पता नहीं चलता है, पर औषधीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अलग अलग द्रव्यों को सेवन करने के बाद में जो शरीर में प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर ही इन गुणों का निश्चय किया जाता है। जैसे कोई पदार्थ हाथ में उठाने पर भारी या गुरु लगता है, तो उसके आधार पर हम उसको गुरु नहीं कहते हैं, पर तो गुरुत्व है कि पचने में जो समय लगाता है उसको हम गुरु कहते हैं, या जो लघुत्व है कि जो पचने में कम समय लगता है उसको लघु कहते हैं। इसी पदार्थ से जो देर से पचते हैं वो गुरु हो गए, शीघ्र पचने वाले लघु हो गए।
इसी तरह से जैसे राई है, स्पर्श में वो शीतल लगती है, पर यदि उसको गुण की दृष्टि से देखें तो वो उष्ण है। तो इसीलिए क्योंकि पदार्थ में जो स्वाभाविक रूप से जो रस है, उस रस का एक और सूक्ष्मता से ज्ञान के लिए गुण को जानना बहुत जरूरी होता है। इन द्रव्यों का गुण ये ध्यान रख लीजिए कि हम सब के पीछे हमारा जो पंच महाभूत हैं वो प्रमुख होते हैं। पंच महाभूतों के आधार पर ही वो द्रव्यों का जो भी रस गुण वीर्य विपाक और पाक होता है उसके आधार पर ही होता है। तो यहाँ पर गुण की यदि हम बात करें तो जिस द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है वो गुरु गुण वाला होता है, जबकि जिस द्रव्य में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है वह भी हम लघु गुण वाले मानते हैं। यानी कि पहले भी बता चुके हैं कि हम द्रव्यों में विद्यमान रस और गुण के आधार पर उसका शरीर पर क्या कर्म होता है, क्या प्रभाव होता है, ये हम इसको अनुमान लगाते हैं। और केवल रस के आधार पर द्रव्य का गुणों का पूर्णतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वीर्य की, यानी वीर्य मतलब पोटेंसी, रस गुण वीर्य। तो किसी भी औषधि में अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं, उन गुणों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली और सक्रिय होता है उसको, यानी रोग उपचार की दृष्टि से उसको मुख्य सहायक मानते हैं, इसीलिए वह वीर्य कहलाता है। क्रिया ये न सा क्रिया, यानी कि वीर्य रस से अधिक शक्तिशाली है, अतः यह रस के प्रभाव को गौण या अप्रधान कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वीर्य के आधार पर ही औषध द्रव्यों को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हम कहते हैं यह उष्ण वीर्य का है या ये शीत वीर्य का है। इसके लोक व्यवहार में यदि हम कहते हैं ना ये तासीर, इसकी तासीर गर्म है, इसकी ठंडी है, वस्तुतः यही वीर्य है। यह रोगी की प्रकृति के अनुसार फिर हम चयन करते हैं, उष्ण वीर्य की औषधि देनी है इसको या शीत वीर्य की औषधि देनी है। इस प्रकार वीर्य के कारण ये औषधि द्रव्य रोगों को नाश करते हैं और स्वास्थ्य को बना करके रखते हैं। तो गुण आपका हो गया रस, गुण और वीर्य। तीसरा है विपाक। विपाक का अर्थ होता है पोस्ट, जो डाइजेस्टिव जो इफेक्ट है, यानी जठराग्नि के संयोग से द्रव्यों का जो पाचन के समय में जो अन्य रस उत्पन्न करता है, यानी कि बाहर के रस के अलावा भी जो पाचन के समय जो दूसरा रस बनता है उसे विपाक कहते हैं। इस प्रकार की जो अंतिम स्थिति में किसी भी द्रव्य का जो रस उत्पन्न होता है वो वास्तव में वही विपाक है। यानी पाचन होता है ना, उस समय पर जो जठराग्नि में जो खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे होते हैं उसमें अनेक प्रकार के जो पाचक रस निकलते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, उसमें जो अलग अलग तरह का परिवर्तन आता है। जब परिवर्तन होने पर भोजन के जो पाचन क्रिया के समय में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, उसको हम प्रायः आयुर्वेद में हम तीन अवस्थाएं कहते हैं। प्रथम अवस्था में रस का स्वाद थोड़ा मधुर होता है, दूसरी अवस्था में अम्ल हो जाता है, तीसरी अवस्था में कटु होता है, ऐसा कहा जाता है। तो तीन रसों की अवस्था से निकलता है। तो पाचन की अंतिम अवस्था में जो द्रव्य का जो मल भाग है ना, जो सार भाग है जिसको मल बोलते हैं, वो अलग अलग हो जाता है। तो मल भाग में जो अलग होने के बाद में केवल रस के रूप जो है वो शेष रह जाता है, वो द्रव्य का नया रूप होता है, उसका रस का नया उत्पन्न रस है, वही विपाक है। विपाक के बाद में है पांचवा प्रभाव, स्पेसिफिक जो एक्शन है, जो लास्ट में जो प्रभाव है। उपरोक्त विवरण से हम ये समझ सकते हैं कि औषधि द्रव्य जो है रस, गुण, वीर्य, विपाक, इसके आधार पर शरीर में काम करते हैं, ये आप इसको समझिए। इसलिए हमने इस विषय को, हालांकि ये चिकित्सा का विषय ज़्यादा है पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको बताने का प्रयास किया। इस रस आदि जो द्रव्य में कुछ शरीर में किसी भी अनुरूप कार्य नहीं करते, यानी कि शरीर पर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है जिससे रोग विशेष शांत होता है या बढ़ता है, या किस तत्व के आधार पर ये क्रिया होती है, यह सब तत्वों का ही प्रभाव है। यानी कि हम यदि दूसरे शब्दों में कहें, यदि आपको थोड़ा समझाने की दृष्टि से कहें कि आप इसको समझिए कि जो द्रव्यों में रस होता है या वीर्य है या विपाक है, ये समान होने पर भी कभी कभी जो है ना अलग अलग काम करते हैं, तो वही प्रभाव है। यानी कई चीज़ें तो समान है परंतु लास्ट में देखते हैं तो काम जो है वो अलग तरह का करता है, यानी अलग तरह का वो जो है गुण दिखाता है, अलग तरह का कार्य दिखाता है, उसको हम प्रभाव कहते हैं। तो हम इसको, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना जरूरी है पदार्थ के रस को, जैसे मैंने बताया आपको जो रस है, हम रस जिसको हम टेस्ट कहते हैं,
जिसको हम एक तरह से जो स्थूल रूप से जो द्रव्य की एक तरह से हम पहचान करते हैं, खाते समय स्वाद लेते समय एकदम पता चलता है, ये सबको पता चलता है। इतना तो हम सीख लें, फिर उसके बाद उसके जो गुण हैं या उसका जो वीर्य है और जो विपाक है, प्रभाव है, ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो ये भी पता चलने लगता है। ये अमुक गर्म है, अमुक ठंडा है, अमुक खा करके पेट में जलन हो गया, अमुक खाने से सूजन बढ़ी, अमुक खाने से सूजन उतरी, या अमुक खाने से एकदम पेट में भारीपन हो गया, अमुक खाने से जो है ये तो मल निकल गया। ये जितनी भी बाद की क्रियाएँ हैं, यानी कि जो स्वाद स्वाद के बाद की जितनी क्रियाएँ हैं, ये 5 भागों में इसलिए ऋषियों ने वर्णन किया। इसको आप समझिए, हमारी परंपराओं में हालांकि ये चीज़ें प्रचलन में थोड़ी बहुत तो हैं कि ये खाने से ये तो भाई पेट में भारी कर देता है, अरे भाई इसको खाने से तो ये तो जो है ना ये तो बिल्कुल ये तो गर्मी कर देगा, ये तो ठंडा कर देगा, ये तो खा करके एकदम कमजोरी सी लगती है, इसको खाने के बाद तो एकदम नींद से आ जाती है। यही है सब रस गुण, आपका वीर्य विपाक और ये सब प्रभाव, ये अलग अलग स्थिति में हम अलग अलग तरह से बोलते हैं, करते हैं, महसूस करते हैं। इसको समग्र रूप से एक जगह पर समझाने का हमने प्रयास किया है, तो आप इसको जान करके अपने आहार का चयन करिए, रसों का चयन करिए और शरीर को ठीक रखिए, तो आयुर्वेद के विविध विज्ञानों के साथ, रहस्यों के साथ में और बाकी जानकारियों के साथ में हम आपके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। ओम।